गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बैड फ्रेंड्स इस एपिसोड फोर के स्पॉइलर के बारे में, जो खत्म होते होते शायद और किंग को रियलाइज हो जाएगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो पिछले एपिसोड के मुताबिक पॉक रात का आकर रॉक को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और रॉक से कहता है, मैं आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि इसके बाद तुम मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोच भी नहीं सकोगे। इधर किंग को रॉक याद आ रहा था, इसलिए वो अपने ओवरटाइम करने का प्लान कैंसिल करके रॉक के पीछे जाने के बारे में सोचता है। पर किंग जब पार्किंग लॉट पे जाता है तो वो सुनता है कि रॉक मदद के लिए चिल्ला रहा है, इसलिए वो जल्दी से जाकर देखता है पॉक रॉक के साथ जबरदस्ती कर रहा है। किंग जाकर पॉक को रॉक से अलग करके उसको मारने लगता है और किंग को देखकर रॉक बहुत ही रिलैक्स फील करता है और किंग को हक कर लेता है। रॉक को ऐसा करता देखकर किंग भी उसको हक कर लेता है। इधर किसी को रॉक को हक करते देखकर पॉक को गुस्सा आ जाता है और किंग से पूछता है, तुम कौन हो? किंग कहता है, मैं रॉक का बॉयफ्रेंड हूँ और अगर तुम हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ और जिंदगी में फिर कभी रॉक के परेशान करने के बारे में मत सोचना। पर पॉक को किंग की बातों पर भरोसा नहीं होता और इसलिए वो फिर से रॉक के करीब जाने की कोशिश करता है और किंग फिर से पॉक को रॉक से दूर कर देता है और उसको पुलिस की धमकी देता है और इस बार पॉक डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किंग रॉक को फिर से हक कर लेता है और उसको अपने घर पर लेकर जाना चाहता है। रॉक भी अकेला रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी राजी हो जाता है और नॉवेल के मुताबिक उस रात भी किंग रॉक को बहुत प्यार करता है। पर इस बार किंग ये सब बहुत जेंटली करता है क्योंकि वो रॉक को रिलैक्स फील करवाना चाहता था। रॉक भी किंग के इस सॉफ्ट जेस्चर से बहुत खुश था और उसे बहुत अच्छा भी फील हो रहा था। तो ये सब खत्म होने के बाद किंग रॉक को अपने बाहों में लेकर उसको सुला देता है। ऐसे ही एक हफ्ता रॉक किंग के घर पर ही रहता है और किंग रॉक का बहुत ख्याल रखता है। फिर एक हफ्ते बाद रॉक अपने घर चला जाता है और उस दिन रॉक का बर्थडे था, इसलिए जेड रॉक का घर पर आता है उसका बर्थडे विश करने के लिए। इधर किंग को जब पता चलता है कि आज रॉक का बर्थडे था तो किंग को अफसोस होता है कि उसने क्यों रॉक आज जाने दिया। इसलिए किंग रॉक को फ़ोन करता है और उसको एक प्यारे सा बर्थडे विश करता है। तभी किंग रॉक से पूछता है कि उसको बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। रॉक कहता है किंग को जो पसंद आता है वो उसको गिफ्ट कर दे। तो किंग को समझ नहीं आता कि वो रॉक का क्या गिफ्ट दे, इसलिए किंग रॉक से कहता है कि आज मैं अपने आप को तुम्हें गिफ्ट करता हूँ, तुम जब चाहो इसको क्लेम कर सकते हो। किंग की बात सुनकर रॉक मुस्कुराता है और कहता है, वो वक्त आने पर देखा जाएगा। इसके बाद जब किंग फ़ोन रख देता है तो रॉक उसकी मॉम का फ़ोन आता है और उसकी मॉम उसको प्यार से कहते हैं कि आज के दिन क्या तुम घर आ सकते हो। रॉक लगता है शायद उसकी मॉम को उसका बर्थडे याद है, इसलिए वो आज रॉक का घर बुला रही है, क्योंकि रॉक की मॉम को उसका बर्थडे कभी याद नहीं रहती और ना ही वो कभी विश करती है। इसलिए इस बार जब उसकी मॉम उसको बुलाया था तो वो अपने घर चला जाता है। अपनी खुशी में वो भूल ही जाता है कि वहाँ पर उसका स्टेप फादर शॉन भी है। ओके गाइस, इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।